गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज अपने क्लास सिक्स के अंदर पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसका क्या है, फाइंड द सम बाय सुइटेबल रीअरेंजमेंट, यानी आपको दोबारा इसका रीअरेंज करके मतलब सही तरीके से इजी वे से इसका सम निकालना है। यानी इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे तो ध्यान में देना, पहले तो अपने जैसे पार्ट ए करेंगे, इसके अंदर क्या है 837 प्लस 208 प्लस 363। अच्छा, अब उसके के अंदर क्या करना है कि अपने इसका सम बिल्कुल इजी मेथड से करना है। आप क्या करो, इसकी यूनिट नंबर देखो, 7 और 8 का सम कितना जाता है, 15 जाता है। अपने इजी मेथड का मतलब है इसके यूनिट नंबर या वंस टेंस को, इनके वंस टेंस या इसके वंस टेंस को मिला के 10 बन जाए या 100 बन जाए। तो देखो, 73 और 63 मिलकर 100 बनता है। इट मीन्स इन दोनों को अपने क्या करते हैं, पास पास में लिख लेते हैं, 837 प्लस 363 प्लस 208। अब अपने को पता है कि क्या है कि 7 प्लस 3 कितना हो गया, 10, 1 कैरी, 369, 1 10, 1 फिर कैरी, 8193, 12 प्लस 208, और इन दोनों का सम कितना हो गया, 1408। ये आपका क्या आ गया, आंसर। इसी प्रकार सेकंड इसका अपने पार्ट करते हैं, बी नंबर बी करते हैं। तो बी क्या है, 1962 प्लस 453 प्लस 1962 प्लस 453 प्लस 1538 एंड प्लस 647। अब इसमें वापस जैसे इसको अरेंज किया था आपने, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, अरेंज। तो यूनिट नंबर देख लो आप, यूनिट नंबर से पता चल जाएगा भी किसका सम 10 या 100 बन रहा है। तो देखो, 62 और 8 10 और 62 और 38 100 बन जाता है। तो अपने 1962 प्लस 1538 इन दोनों का प्लस 53 और 47 का सम भी 100 होता है, तो इनको पास पास में लिख लेते हैं। यानी आप ऐसे नंबर पास पास में लिख लो जिनकी यूनिट नंबर आप 10 बना सको या 1s और 10s को मिला के 100 बना सको। तो ये हो जाएगा 453 प्लस 647। अब इनका प्लस कर दो, 8 और 2 कितने हो जाएंगे, 10, 1 कैरी, 639, 110 कैरी, अच्छा 10, 15 फिर 1 कैरी, 12 एंड 13 प्लस इसका सम कितना जाएगा, 7, 3, 10, 1 कैरी, 5, 4, 9, 110, 1 फिर कैरी, 64 और ये कितना हो जाएगा, 1100। और दोनों का सम करोगे तो कितना हो जाएगा, 4600। यानी आपको क्या करना है, जो सेंटेंस आपको, जो स्टेटमेंट आपको दे रखा है, जो लाइन आपको दे रखी है, उसको दोबारा रीअरेंज करके उन डिजिट को पास पास में लिख लो जिनका सम या तो 100 के फॉर्म में आ जाए या 10 के फॉर्म में आ जाए। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर अपने इन दोनों को पास में लिख दिया, इसको अलग लिख दिया, कोई आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये हो जाएगा कि इन दोनों का सम ये 1200 प्लस 208 1400 आसानी हो जाएगी। इसी प्रकार इसमें आपको ज़्यादा माथापच्ची नहीं करनी पड़ेगी इन दोनों को पास में, क्योंकि 62 और 38 का सम 100 के कॉरस्पॉन्डिंग जाता है और इन दोनों का सम भी कितना जाता है, 100 के अंदर। तो इन दोनों का सम फिर आसानी हो जाएगी, 4600 जाएगा। तो बेटा आप इसको नोट कर लीजिए एक बार। सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोडक्ट बाय सुटेबल अरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट सॉरी। अपने पहले जो क्वेश्चन किया था फर्स्ट, उसके अंदर अपने सही रीअरेंज करके अपने इनका प्लस किया था। इसके अंदर अपने को क्या करना है, मल्टीप्लाई प्रोडक्ट निकालना है। तो इसके अंदर सॉल्यूशन कैसे करेंगे, ए पार्ट का, 2 × 1768 × 50। आप ऐसी डिजिट का मल्टीप्लाई करो जिनका प्रोडक्ट 10 या 100 या 1000 के अंदर आ जाए। तो अपने को पता है 2 और 50 इनका प्रोडक्ट है वो 100 आता है, तो इनको मैं पास में लिख लेता हूँ, 1768 मल्टीप्लाई
टू इंटू मल्टीप्लाई 50, 1768, 250 जा कितने होते हैं, 52 जा कितने होते हैं 100, और ये आंसर आ जाएगा आपका 1768 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो इतना आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। इसी प्रकार इसका सेकंड जो पार्ट है बी नंबर, वो क्या है 4 × 166 × 25। अब इनका प्रोडक्ट है देखो, 4 × 6 = 24, 100 के अंदर नहीं जाएगा, 0 के अंदर 25, 4 जा कितने होते हैं 100, तो 166 × 4 × 25, और 166 × 4 = 100, तो ये आ गया 166 00, और ये आपका क्या आ गया आंसर। तो स्टूडेंट्स आज अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के दो पार्ट के, सेकंड के भी दो पार्ट के लिए, बाकी सब जैसे क्वेश्चन है वो लगभग सेम है, तो आज के लिए अपने इतना ही करेंगे, बाकी जो क्वेश्चन है वो अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे, और आप भी अपने इस तरह जो क्वेश्चन है वो खुद करके देखेंगे। थैंक यू।